कैसा लगा सर मूवी? ठीक लगा बाबू, मजा आया। अरे मजा देखकर। हाँ अमिताभ बच्चन को भी जिस काम के लिए मैं आया था वही उसी काम के लिए मूवी बनाई। अच्छा, किस काम के लिए आए थे? अच्छी थी। क्या लगा बेस्ट आपको मूवी में? क्या लगा सर मूवी में? बढ़िया लगा सर। बढ़िया थी लगा सर मूवी? अच्छी लगी सर। अच्छी लगा, फ्रेंडशिप के लिए था। अच्छा, फ्रेंडशिप के आधारित था। हाँ। तो किसका रोल अच्छा लगा? बहुत बड़े बड़े एक्टर थे इसमें। अमिताभ बच्चन और पवन ईरानी भी थे इसमें, उनका भी ठीक था। ठीक है, अच्छी पिक्चर है। अच्छा, अमिताभ बच्चन को देखने आई थी कि मतलब पूरा मूवी? नहीं, सारी पिक्चर का थीम बहुत अच्छा है। अच्छा, नेचुरल है बहुत। तो कैसा मतलब स्टोरी क्या था, थोड़ा बहुत बताएंगे? स्टोरी ठीक है, अच्छी लगी हम लोगों को। जनरल टच है, टच ही है, जुड़ी हुई आपस में एक भावना। हाँ, जमाने के साथ आज के हिसाब से जो फ्रेंडशिप का जो डेप्थ होती है वो इसमें दिखाया है। अच्छा, जो मूवी का जो बेस है उसको देख कर आए थे ये मूवी देखने आप लोग? नहीं, मेन चीज़ इसमें जो डेप्थ दिखाया फ्रेंडशिप में, मतलब कितनी बाइंडिंग है, ये चीज़ इसमें दिखाया है कि अपने फ्रेंड्स की इच्छा को ऑनर करते हुए और बेस कैंप तक जाना, एवरेस्ट तक, ऊंचाई तक जाना, और फिजिकल कंडीशन ठीक ना होने के बावजूद भी ये एक ज़बरदस्त बाइंडिंग दिखती है। अच्छा, इसमें बहुत बड़े एक्टर थे पवन ईरानी और अमिताभ बच्चन, तो सबसे बेस्ट किसका रोल आपको? नहीं, इसमें इसका पवन ईरानी और अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर, तीनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत नेचुरल थी। और इसमें एक एक्टर भी थी परिणीति चोपड़ा, तो साइड रोल था कि मतलब थोड़ा बहुत उसमें? उसका रोल तो बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत मतलब साइड एक्टर। हाँ, उसका साइड में, उसका मेन एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन मेन कैरेक्टर में उसका ऐसा कोई नहीं था, लेकिन ठीक थी स्टोरी, दिल को छू गई वाकई। अच्छा, 5/6 रेटिंग देना कितना देंगे इस मूवी को? 5 में 4 तो देंगे, 4 तो देंगे, डेफिनेटली। साइड एक्टर थी क्या? साइड एक्टर, या ठीक लगा बाबू, मजा आया। अरे मजा देखकर। हाँ, अमिताभ बच्चन को भी जिस काम के लिए मैं आया था वही उसी काम के लिए मूवी बनाई। अच्छा, किस काम के लिए आए थे? अभी मूवी किस काम के लिए बना? फ्रेंडशिप के लिए था। नहीं, फ्रेंडशिप का नहीं, अंतिम अस्थि विसर्जन के लिए। अच्छा, अस्थि विसर्जन। और मैं भी अपने भाई का अस्थि विसर्जन के लिए आया। अच्छा, बनारस में आए हुए? बनारस में आए, फिर आज लौट रहा हूँ। चलिए, आपको मूवी पसंद? मैं धनबाद से आया हूँ, झारखंड, धनबाद झारखंड। तो हमको लगा वही, हम भी भाई है मेरे, चचेरे भाई, तो हम लोग वही बात करते ही निकले थे कि मैं जिस काम से आया हूँ उसी विषय पे इतने मूवी बनाए। अच्छा, एक इत्तेफाक था कि मतलब प्लान बना के आए थे? वो नहीं, प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि लेट हो गया था, रात में ट्रेन है। अच्छा। तो करे क्या, तो चलो मूवी देखते हैं। हमको क्या पता था कि हम जिस काम के लिए आए उसी काम के लिए मूवी बनाए। स्टोरी दिल कुछ हुई? अरे बहुत। तो 5 स्टार देना हो तो कितना देंगे? अब 5 स्टार, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन है, उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। कैसी लगी सर मूवी? कैसी लगी आपको? कौन सी? ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई अच्छी है। स्टोरी वाइज बात किया तो कैसा लगा? इसमें दोस्ती के बारे में दिखाया है, अपने दोस्त के लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। तो बोर तो नहीं किया स्टोरी ने? बोर तो नहीं किया स्टोरी ने? थोड़ा इंटरटेनमेंट और चाहिए था। और चाहिए था जी। अच्छा, 5/6 कितना रेटिंग देंगे? हाँ, रेटिंग देना हो तो कितना देंगे 5/6? अच्छी है ओवरऑल।